भारत में सलमान खान और सैफ अली खान जैसे कलाकार पाकिस्तानी कलाकारों के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपने यहां हिंदी फिल्मों पर रोक लगा दी है। पाकिस्तानी सिनेमा हॉल से हिंदी फिल्मों के पोस्टर तक उतार दिए गए। राज ठाकरे के फरमान के बाद पाकिस्तानी कलाकारों ने देश छोड़ दिया था, जिसे लेकर सलमान खान जैसे कलाकार खुलकर पाकिस्तानियों के साथ हो गए। अब पाकिस्तान ने हिंदी फिल्मों पर ही रोक लगा दी है। They are not terrorists and we all know that. And they are coming in with proper permissions, with proper visa, work permit. We should attack the terrorists for sure, but not attack the artists and the cricketers. That's about it. मुझे लगता है कि अलग अलग जो कलाकार हैं उनको अलग अलग जज करना चाहिए। Every Pakistani is not a terrorist. मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोग भी टेररिज्म का शिकार हैं। पाकिस्तानी कलाकारों के लिए हायतौबा मचाने वाले मुंबईया कलाकारों की बातें आपने सुन ली। अब जरा पाकिस्तान चलिए और देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें पाकिस्तान में कराची के एक सिनेमा हॉल की हैं। बॉलीवुड की फिल्में तो यहाँ चलनी बंद हो ही गई हैं। सिनेमा हॉल में हिंदी फिल्मों के जो पोस्टर लगे थे उसे भी हटा दिया गया है। ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं, यहीं पर हिंदी फिल्म यानी बॉलीवुड की फिल्म के पोस्टर लगे थे। बगल में ओमपुरी के पोस्टर जो दिख रहे हैं, असल में वो अंग्रेजी फिल्म के हैं। पोस्टर हटे तो हटे ही, लगे हाथों पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों पर बैन का ऐलान भी कर दिया गया है। जो मोदी सरकार की पॉलिसी है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने उनकी तमाम मूवीज इंडियन ड्रॉप कर दी हैं। हम किसी सूरत में मूवी नहीं चला सकते जब तक उनका ये लहजा चेंज नहीं हो सकता। मतलब जिन पाकिस्तानी कलाकारों के लिए हमारे यहाँ सलमान से लेकर सैफ अली खान तक खड़े हो गए हैं, उन पाकिस्तानी कलाकारों के यहाँ इनकी फिल्मों के पोस्टर तक उतार दिए गए हैं। सुनिए सलमान खान ने पाकिस्तानी कलाकारों के लिए दो दिन पहले क्या ज्ञान दिया था। वो कलाकार, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट है, वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार है। आप क्या मानती हैं? कलाकार टेररिस्ट है? वीजा लेके आते हैं, कौन देता उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है, वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है। सलमान ने पाकिस्तानी कलाकारों का साथ देकर मुंबई के नेताओं से दुश्मनी मोल ली। राज ठाकरे ने कह दिया कि ऐसे बयान देने बंद नहीं किए तो इनकी फिल्में भी यहां बंद करवा देंगे। कहीं भी कुछ भी बात करते रहता है। लास्ट टाइम उसने वो मेमन के बारे में बात की थी। दुर्भाग्य की बात है, हर वक्त वो सलीम साहब को बाहर आना पड़ता है और माफी मांगनी पड़ती है इसके कारण। कहीं भी जाके कहीं कुछ भी बोल देता है ये। शाहरुख खान ने ट्वीट किया है, हमारे जो जवान है उनकी तारीफ की है, तुम्हारे ऊपर गर्व है, कहां है इसे क्या हुआ? और लगते कौन है ये पाकिस्तानी कलाकार अपने? राज ठाकरे की धमकी के बाद ही पाकिस्तानी कलाकार उरी हमले के बाद 48 घंटे में मुंबई से निकल लिए थे। अभिनेता कमाल खान ने फेसबुक पर लिखा है कि ऐ दिल है मुश्किल में काम करने वाले पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान ने पाकिस्तान जाकर कहा है कि भारत के लोगों का दिल छोटा है। फवाद से मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीयों के बारे में अगर ये सोच है तो फिर कभी भारत मत आना। पाकिस्तान ने तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर बनी फिल्म भी रिलीज नहीं होने दी है। पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों का बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदी फिल्मों के बैन से वहां की इंडस्ट्री को 70% तक नुकसान होगा। तो अब सवाल यह भी है कि जिन पाकिस्तानी कलाकारों की हिमायत सलमान खान ने की थी, क्या वो पाकिस्तानी कलाकार पाकिस्तान के इस कदम की मुखालफत करेंगे?